खबर सीकर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के हरसावा गांव में यस बैंक से 24 लाख की लूट करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को हरसावा की यस बैंक में 24 लाख की लूट हुई थी। आरोपी ने अपने पास से जिंदा बम और साथ ही पिस्टल होने की धमकी देकर वहां से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। आरोपी पर चोरी और जानलेवा हमले का मामला दर्ज है। आरोपी ने नौकरी न होने और आर्थिक तंगी के चलते वारदात की अंजाम को देना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जैसा कि आपको ध्यान है, 6 जुलाई को हरसावा बड़ा में जो फतेहपुर इलाके में है, यस बैंक की शाखा से करीब 25 लाख रुपए एक व्यक्ति के द्वारा लूट कर ले जाने की घटना हुई थी। उस घटना के पश्चात हमारी टीम ने, मैंने और इवन हमारे आईजी रेंज में उमेश चंद दत्ता सर ने भी मौके का निरीक्षण किया था। सभी टीमों को से बात करके और एक स्पेशल टीम इस घटना को खोलने के लिए लगाई थी। राजेश विद्यार्थी जो हमारे सीओ फतेहपुर हैं, उनके नेतृत्व में हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और उस दौरान ही ये पता चला कि उसी दिन इसी व्यक्ति द्वारा फतेहपुर में इस तरह के दूसरे बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी इस तरह का प्रयास किया गया था। वहाँ से इसके कुछ फुटेज मिले, उसके आधार पर हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करने के बाद और टेक्निकल सर्वेलेंस और जो कैमरे थे उनके फुटेज देखने के बाद आज मुलजिम जो है मुकेश गढ़वाल है, यालसर बलारा थाने का रहने वाला है, उसको दादिया के पास से अरेस्ट करने